हेलो दोस्तों, मिष्टी फूड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमने बनाया है चिली पटेटो। आप इसको सुबह शाम के नाश्ते में कभी भी बना करके खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। चलिए देखिए हमने कैसे बनाया है चिली पटेटो। इसके लिए हमने 4 आलू लिए हैं। इसको हमने छील करके धो करके और लंबे लंबे पीस में काटना है, तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। बस एक बॉयल इसमें आना चाहिए। अब हम पानी गरम करेंगे और जितने आलू हमने कट करके रखे हैं इसको डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। और बस एक बॉयल आना चाहिए जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। और उसके बाद से इसको आप किसी छन्नी के सहारे छान लेंगे। देखिए एक बॉयल आ गया। अब इसको हमने निकाल लिया है। इसे निकाल करके आपको अलग रख लेना है और इसको थोड़ा पानी सूख जाए जिससे इसका। इसमें हम डालेंगे चावल का आटा 1 चम्मच और 1 चम्मच डालेंगे मैदे का आटा। ऐसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपको मिक्स करना है और मिक्स करके रख दीजिए। इसके बाद हम एक घोल तैयार करेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इस तरह से इसका घोल तैयार करेंगे। बहुत पतला घोल नहीं तैयार करना है, गाढ़ा घोल इसका तैयार करना है आपको इस तरह से। और करने के बाद एक एक जो हमने आलू का लंबा लंबा पीस काट कर रखा है एक एक आलू को आप डीप करिए। बस एक लेयर चढ़ जाए और इस तरह से आपको छान लेना है। बस एक बार छानने के बाद इसको आप बाहर निकाल लीजिए। और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर एक बार और छान लीजिए। जिस तरह से ये बहुत ही कुरकुरा छन करके तैयार होता है। देखिए हमने सारे छान लिए थे और इसको ठंडा हो गया। उसके बाद से फिर एक बार आपको डीप फ्राई करना है। इस तरह से आप दोबारा छानेंगे तो ये बहुत ही कुरकुरा आलू आपका तैयार होगा। आपको खाने में वैसे भी इस तरह से भी आप खा सकते हैं इसको चाय के साथ। अब बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और हमने कढ़ाई में डाला है ऑयल और इसमें आपको लंबा लंबा हरा मिर्चा और लहसुन की कली थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है और प्याज लंबे लंबे आपको कट कर लेने हैं। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बस इस तरह से आप भून लेंगे। और शिमला मिर्च हमने कट करके रखा है और इसके बाद आपको शिमला मिर्च को भून लेना है। अब एकदम हल्का सा ही भुना जाता है। फिर इसमें हम इसमें नमक डालेंगे और फिर डालेंगे चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटर सॉस। एक एक चम्मच आपको डाल देना है। तीनों की मात्रा एकदम एक बराबर रहनी चाहिए। इस तरह से सब कुछ हमने डाल दिया। इस तरह से आप मिला लीजिए इसको। और इसके बाद फिर इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे। जितना आपका आलू हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। और इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए और हमने कॉर्नफ्लोर का जो घोल तैयार किया था इसको हम 2 चम्मच डाल देंगे। और थोड़ा सा इसको पका लीजिए आप जिससे ये गाढ़ा हो जाए। इस तरह से आपका ग्रेवी तैयार हो जाएगा। और इसमें फिर हमने जो आलू फ्राई करके रखे हैं हम इसको डाल देंगे। इस तरह से हमारा चिली पटेटो बन करके तैयार हो गया है। आप इसको जब चाहें नाश्ते में बना करके खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बड़े भी बहुत ही पसंद से खाते हैं। ये चिली पटेटो आप होटल में जाकर खाना पसंद करते हैं, आप घर में बना के ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं चटपटा चिली पटेटो। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।